नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था और उसके बाद उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था। इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलेसेंस पीरियड कब से कब तक होता है, प्यूबर्टी के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ह्यूमन लाइफ में वो कितने से कितने साल तक होता है दोस्तों। तो दोस्तों, पहली हेडिंग है हमारी रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन लाइफ। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज है वो कब स्टार्ट होता है, उसकी प्यूबर्टी के दौरान 10 से 12 इयर्स पे स्टार्ट हो जाता है और खत्म कब होता है, 40 से 50 साल की एज पे। तो दोस्तों, जब प्यूबर्टी आती है 10 से 12 साल की एज पे, तो हमारी जो ओवरी होती है वो मैच्योर हो जाती है और ओवा रिलीज करती है। और ये जो ओवा रिलीज होता है ये हर एक साइकिल पे जो 28 से 30 दिन पे साइकिल चलती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। हर एक साइकिल के 12वें से 14वें दिन पे इस ओबा का रिलीज होता है दोस्तों। जब ओबा का रिलीज होता है उसके दौरान क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है वो क्या होने लगता है, वो थिक होता है। जिससे क्या है, अगर एग और ओबा का फर्टिलाइजेशन हो जाए, जो जाइगोट बने उसका यहाँ इम्प्लांटेशन हो सके। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मान लो इस ओबम को स्पर्म मिला ही नहीं उस दौरान, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस दौरान क्या होता है, जो ये थिक यूट्रस की क्या होती है, ये थिक यूट्रस जो होता है ओबा के साथ सेड ऑफ हो जाता है 28 से 30वें दिन पे इसका सेड ऑफ हो जाता है और ब्लड के रूप में ये बाहर आता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मेंसुरेशन साइकिल। तो दोस्तों, जब फर्स्ट मेंसेस आता है प्यूबर्टी के दौरान, गर्ल्स में जब फर्स्ट मेंसेस आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिनोर्की कहते हैं। जो फर्स्ट मेंसन आता है उसे मिनोर्की कहते हैं। और तो दोस्तों, ये दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब उसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उस स्टार्ट वाले मेंसेस को, जो पहला मेंसेस होता है उसे कहते हैं मिनार्की, और जब उसका मेंसेस बंद होता है 40 से 50 साल की एज पे तो उसे मीनोपॉज कहते हैं दोस्तों। इसके बाद है कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के पास क्या होता है, 23 पेयर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, लेकिन एक पेयर जो होता है इसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल में क्या होता है, फीमेल में तो एक्स एक्स होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई दो अलग अलग टाइप से होते हैं। तो दोस्तों, ये एग है हमारा, एग तो एक्स एक्स ही रहेगा। अब ये डिपेंड करता है कि जो स्पर्म आ रहा है उसके पास क्या है, उसके पास एक्स है या वाई क्रोमोसोम है। तो जो सेक्स का निर्धारण होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है हस्बैंड के स्पर्म पे कि उसका स्पर्म जो आ रहा है वो एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है या वाई कैरी कर रहा है। दोस्तों, अगर वो एक्स कैरी करता है तो जो बच्चा पैदा होता है वो गर्ल होगी, क्योंकि स्पर्म के पास एक्स है और एग के पास भी एक्स है। तो जो गर्ल का क्रोमोसोम, अभी हमने बताया फीमेल के पास एक्स एक्स होता है, तो जो डेवलप होगा बच्चा वो एक गर्ल होगी। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम लेके आता है एग के पास तो एक्स है ही, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बॉयज होगा, क्योंकि इस तरीके से इसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम हो जाता है। तो बच्चे का जो सेक्स होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, वो हस्बैंड के स्पर्म के द्वारा डिटरमाइन होता है कि स्पर्म कौन सा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है।
दोस्तों ये नोट्स इम्पॉर्टेंट है कि जो पेशेंट डायबिटीज से सफर करते हैं उनके पैंक्रियाज में क्या दिक्कत होती है, उनका पैंक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन सफिशियंट मात्रा में नहीं बना पाता है, इसलिए ऐसे लोगों को क्या हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाता है। दोस्तों जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो हार्मोन एड्रिनलिन रिलीज करती है, जिसकी वजह से इस हार्मोन की वजह से हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में कहीं बहुत एंग्री हो या एम्ब्रेस कंडीशन फील कर रहे हो या कहीं वरीड हो तो ये हार्मोन हमारी बॉडी की मदद करता है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर पूछा जाए ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। दोस्तों अभी हमने बताया था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब हमने बताया था कि लार्वा का एडल्ट में चेंज हो जाना ही कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। अगर वो चेंज इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वो कंट्रोल होता है इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा, और फ्रॉग में ये किससे कंट्रोल होता है दोस्तों ये याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों थायरोक्सिन प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए वाटर में। अगर टैडपोल जहाँ ग्रो कर रहा है उसमें सफिशियंट आयोडीन नहीं है उस वाटर में तो टैडपोल इसका कभी भी एडल्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि एडल्ट में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। और अगर जिस एरिया में सफिशियंट आयोडीन नहीं होती है वाटर में वहाँ पे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो आप देख रहे हैं ये फ्रॉग का एग है, ये अर्ली टैडपोल में पहले चेंज हुआ फिर लेट टैडपोल में चेंज हुआ, इसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको थायरोक्सिन हार्मोन नहीं मिलता है तो ये टैडपोल एडल्ट में चेंज नहीं हो पाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। दोस्तों एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है, भोजन के बिना तो कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं लेकिन एयर के बिना हम कुछ क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। दोस्तों एयर क्या है हमने पहले भी बताया था, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसमें क्या होता है 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड रिमेनिंग अदर गैसेज इसमें पाई जाती हैं। तो दोस्तों एयर पॉल्यूशन होता क्या है, अगर एयर क्या है संदूषित हो जाए किसी अनवांटेड सब्सटेंस के द्वारा जो हार्मफुल इफेक्ट डालता हो किसको, लिविंग पे और नॉन लिविंग दोनों पे, उसे ही हम क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन। सब्सटेंस दोस्तों जो एयर को संदूषित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। सोर्स जो होता है एयर पॉल्यूशन का दोस्तों वो फैक्ट्री होता है, पावर प्लांट, विद्युत संयंत्र होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, ऑटोमोबाइल जो स्वचालित वाहन है उससे निकला हुआ एग्जॉस्ट, और जो उपली होती है उपले उसको जलाने पे जो धुआं निकलता है ये सब क्या कॉज करते हैं, ये सब एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। व्हीकल से जो निकलता है अत्यधिक मात्रा में वो कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और स्मोक होता है। दोस्तों ये नोट इम्पॉर्टेंट है नीचे वाली लाइन की, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब दोस्तों जब फ्यूल जैसे पेट्रोल डीजल इनको जलाते हैं इन ईंधनों को तो इनकी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, इससे ही क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी या ब्लड को घटा देती है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, स्मोग किसका मिक्सचर है, स्मोग बना होता है स्मोक का प्लस फॉग का, स्मोग किसका बना होता है स्मोक का प्लस फॉग का। अब स्मोक में क्या होता है, स्मोक में ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के
जो कंबाइन करते हैं अदर एयर पॉल्यूटेंट से और फॉग से, उसके बाद वो क्या बनाते हैं? स्मोग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं धूम कोहरा। धूम कोहरा स्मोग होता है। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इसकी वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग की डिफिकल्टी होती है, और बीमारी भी पैदा करता है, जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया, कफ हो गया, कफ हो गया, बजिंग हो गया। तो ये जो है रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी स्मोक पैदा करता है। दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्री भी क्या है? इंडस्ट्री भी ये एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। जैसे जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है मेजर गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट निकलते हैं इस पेट्रोलियम रिफाइनिंग के। ये बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये पानी में मिलके अम्ल वर्षा करवाते हैं, जो हमारी फसलों, क्रॉप और बिल्डिंग के लिए बहुत खतरनाक होती है। और ये क्या करते हैं? ये क्या है? ये रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी पैदा करते हैं। इनकी वजह से हमारा लंग भी परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये क्या है? परमानेंट लंग डैमेज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी हमारे अंदर पैदा कर देते हैं। तो दोस्तों इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, आजकल उद्योगपतियों को क्या कहा गया है? उद्योगपतियों कहा गया है कि आप लोग जो है सीएनजी और एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन का, जैसे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करो, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करो। और जो वाहन है जिसमें पेट्रोल और डीजल चल रहा था, उनकी जगह पे अनलेडेड पेट्रोल लाइक सीएनजी यूज करो, सीएनजी यूज करो पेट्रोल डीजल की जगह पे व्हीकल्स में। और क्या किया गया है? ट्री प्लांटेशन के आदेश दिए गए हैं, ट्री प्लांटेशन का आदेश दिया गया है। और जो जुलाई माह में जब वनोत्सव होता है, तो जुलाई माह में जो है बहुत सारे लाखों पौधे जो है वृक्षारोपण किए जाते हैं। ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि जो सीएफसी यूज होता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में, ये क्या करता है? ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करता है। तो दोस्तों ओजोन लेयर जब डैमेज हो जाती है, तो ये जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे है, ये हमारे तक सीधे पहुंचती है और हम बहुत सारी स्किन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर का बचा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे ऑप्शन से। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों जब कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन क्या होता है, अर्थ पे गिरता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ पार्ट क्या है उसका रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो क्या होती है? वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फियर के द्वारा, और ये ट्रैप रेडिएशन क्या करती है? गर्म करती है अर्थ को, जिसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है कॉन्टिन्यूअसली रिलीज हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, और दूसरी तरफ क्या है कि फॉरेस्ट की संख्या भी घट रही है, जिससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन एटमॉस्फियर में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट और एनिमल के बीच में रिलेशन होता है। एनिमल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, प्लांट उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन एनिमल को देते हैं। इस तरीके से ये बैलेंस बना रहता है। क्योंकि फॉरेस्ट भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज हो नहीं रहा है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमोसफियर में बढ़ रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है और इसको बाहर नहीं जाने देती है। इस तरीके से क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का होता है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों एक ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर ये गैसें किसमें प्रेजेंट होती हैं? ये गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट में पाई जाती हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन दोस्तों जब हार्मफुल सब्सटेंस जैसे जो सीवेज में टॉक्सिक केमिकल हैं, सल्ट हैं, ये सब क्या है, जब हमारे वाटर में मिल जाते हैं तो हमारा वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। जब वाटर पोल्यूटेड हो जाता है तो जो सब्सटेंस इन वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूटेंट कहते हैं। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा होता है, इतना ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो जाता है कि रिवर बहुत स्थानों की डेड हो जाती है, जब वहां पे पोल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए कि वहां की एक्वेटिक लाइफ क्या है, सरवाइव ना कर पाए। दोस्तों इसलिए क्या एक प्लान लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, गंगा एक्शन प्लान, जिसे लॉन्च किया गया कब? 1985 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया? रिवर को सेव करने के लिए, कितना पॉल्यूशन ना बढ़े, इसलिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया, क्योंकि जितने भी पॉल्यूटेंट थे वो सब बहा दिए जाते थे वाटर के साथ नदियों में, इसलिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया 1985 में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि रिवर वाटर में पॉल्यूशन लेवल को घटाना है। दोस्तों जब पॉल्यूशन होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ पॉन्ड जो होते हैं वो हरे दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो कर रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में केमिकल होता है जिसे एल्गी अपने भोजन के रूप में खाती है। इससे क्या है, इससे एल्गी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, और जब ये एल्गी डाई करती है तो ये अदर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया जो वाटर में प्रेजेंट है उनके लिए क्या करता है, डिकम्पोजर की तरह काम करता है। इस तरीके से लॉट ऑफ वाटर बॉडीज में जो ऑक्सीजन होती है वो कंज्यूम हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, इससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन लेवल वाटर में, सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। तो दोस्तों शुद्ध वाटर किसे कहते हैं? पोटेबल वाटर या पीने योग्य वाटर किसे कहते हैं? जो वाटर सुटेबल हो ड्रिंकिंग के लिए उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेबल वाटर। दोस्तों अब वाटर पॉल्यूट हो गया, इसको शुद्ध कैसे करेंगे? दोस्तों हमने पिछले कुछ क्लासेस में सीवेज ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से बताया था, तो जब वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो हम उसका सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। और अदर मेथड क्या है? दोस्तों अदर मेथड में क्लोरीनेशन आता है, ये केमिकल मेथड है, इसको वाटर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लोरीन टेबलेट या ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में डालते हैं वाटर को शुद्ध करने के लिए। तो याद रखिएगा, इसमें हम क्या डालते हैं दोस्तों, क्लोरीन टेबलेट या ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। बहुत से घरों में क्या होता है, बॉइलिंग मेथड यूज किया जाता है शुद्ध वाटर प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बॉइलिंग जब हम करते हैं तो वो बहुत सारे जर्म जो वाटर में प्रेजेंट है उनको मार देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव फेज ह्यूमन लाइफ में जो होता है उस दौरान क्या होता है। हमने पढ़ा मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, ये हम पहले भी पढ़ चुके थे मेटामॉर्फोसिस। इसके बाद हमने एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, और ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है दोस्तों, वाटर पोल्यूशन को इसके बाद हमने पढ़ा कि वाटर को हम कैसे शुद्ध करते हैं अगर वो पॉल्यूट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज भी कक्षा 8 के एनसीईआरटी का 2 चैप्टर कंप्लीट किया। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए हमसे। धन्यवाद।